प्रभु जी जो दो तीन पॉइंट बताए बहुत ही सुंदर लगा कि कोई स्कूल का बच्चा है, कोई पुलिस ऑफिसर है, डॉक्टर है, तो अपना अपना यूनिफॉर्म क्यों ना पहने। तो अभी ये जो अपना यूनिफॉर्म अर्थात तिलक लगाना, ड्रेस पहनना, धोती कुर्ता पहनना, तो ये वैसा इसीलिए नहीं कर रहा है, आप इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको इसकी महत्ता के बारे में पता नहीं है ना। एक पुलिस, जब वो पुलिस बनता है या उसको यूनिफॉर्म दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी सिविल ड्रेस में आ जाता है, लेकिन उसको फील नहीं होता कि आई एम ए पुलिस, है ना। उसको लगता है मैं ऑर्डिनरी पर्सन, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। तो ड्रेस का कितना महत्व है जरा सोचिए। मैं अपने कम 7 महीना पहले की अपनी घटना बता रहा हूँ कि ऐसे में जब ट्रेन में सफ़र करते भक्तगण तो धोती नहीं, वो ऐसे पेंट पहन के जाते हैं, लेकिन हम जब रांची से कलकत्ता आए और कलकत्ता से मतलब हावड़ा से ये नवद्वीप आने वाले थे, तो उस समय लोकल ट्रेन नहीं चल रहा था, ठीक है। अभी मुझे एक्सप्रेस में आना होगा नवद्वीप, तो मैंने क्या किया, मेरा धोती पहना हुआ है, सब कुछ है, मैं धोती हर जगह धोती पहना हुआ रहता हूँ। तो अभी एक दूसरा जो टिटिया है वो बोले कि 750 रुपये फाइन दोनों का, तुम्हारा और तुम्हारे वाइफ का, ठीक है, 750 पूरा काट भी लिया। एक दूसरा टिटिया है, ओ अच्छा, मायापुर थे कैसे छन, हाँ, इस्कन मायापुर, अच्छा हमारा तो गए छिला, हम तो गए थे, अच्छा ठीक है ठीक है, आप लोग बैठिए मैं देखता हूँ। तो जरा सोचिए इसीलिए प्रभुपाद क्या पहनाए हम लोग को, 750 रुपये बच गए, बात पैसा का नहीं है, लेकिन जरा देखिए इसका वैल्यू, इसका मर्यादा, कलकत्ता हावड़ा एक्सप्रेस सम्मान सम्मान है ना। बाकी वहाँ पे जो ऑलरेडी टिकट काट चुके हैं लेकिन कॉन्फर्म नहीं हुआ, जिसके कारण फिर 1400 रुपया लग गया उन दोनों को, क्यों, पैंट शर्ट पहना हुआ है, लेकिन मेरा टिकट कॉन्फर्म हुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे 1 रुपया भी नहीं लिया, क्यों। तो ये है सम्मान। तो इसीलिए आपको तिलक लगाना में शर्म आता है या आपके जो परिवार के लोग जो बाधाएं देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप क्या है ना। इसीलिए प्रभु जी जैसे बोले कि डॉक्टर है वो क्यों डॉक्टरी का ड्रेस ड्रेस पहनते हैं, पुलिस ऑफिसर है क्यों पुलिस का ड्रेस पहनते हैं।